खबर आ रही है स्टेट बैंक से जुड़ी हुई। सीबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में देश के सबसे बड़े घोटाले का दावा किया है। खबर है कि गुजरात की दो कंपनियों ने 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और इस सिलसिले में स्टेट बैंक के डीजीएम ने गुजरात की दो कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये दो बड़ी कंपनियां हैं गुजरात की, ये दो बड़ी कंपनियां बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आनंद तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या डिटेल्स मिल रही है? जी देखिए, अब तक का नीरव मोदी के बाद सबसे बड़ा जो बैंक फ्रॉड है वो सामने आया है। एसबीआई के जो डीजीएम है मुंबई ब्रांच के, उन्होंने 25-8-2020 को सीबीआई में एक शिकायत दर्ज कराई थी और जिसमें आरोप लगाया था कि जो गुजरात की जो शिपिंग बेस्ड कंपनियां हैं उनके डायरेक्टर्स और अन्य लोगों ने 22,842 करोड़ रुपए का जो बैंक फ्रॉड है वो किया है। 22,842 करोड़ रुपए का की धोखाधड़ी का आरोप है गुजरात की दो कंपनियों पर।